रहमान साहब की मिला, मौलाना मोहम्मद फारूक साहब की मिला, मौलाना अब्दुल मुस्तफा साहब की मिला, हाफिज मोहम्मद सादिक साहब, हाफिज मोहम्मद सलमान साहब, जामे कार शहीद के मोहम्मद रसीम, मौलाना इस्लाम साहब, हजरत मौलाना मोहम्मद एजाज अजहरी साहब, कहाँ है दिखाई दीजिए, सैयद इब्राहिम, हाफिज सैयद इब्राहिम साहब, हमारे सदर साहब अलहाज मंसूर सिर साहब, एक सब की जितने स्टेज पर बैठे हैं, मेरी गुजारिश है तमाम तशरीफ फरमा लोगों की खुशी की है। मुशी भाई की भी खुशी, नवाबी बदरुद्दीन साहब, हमारे दोनों अखबारों की भी खुशी, मास्टर साहब की गुजारिश है कि इन लोगों को पहचान रहे, सबकी भी खुशी कर दे, हिम्मत अफजाई करें, सबकी भी खुशी करें। सैयद यूसुफ साहब सिकंदरी जामे की कुसुल्तान शहीद की खसूसियत के साथ मेरी गुजारिश है तो कोशिश की जाए, हमारे निजात भाई की सबकी भी खुशी, सदर साहब के बाद सैयद यूसुफ साहब क्रीड़ता विभाग माशाल्लाह इनकी भी कोशिश की जाए, उनकी तबीयत जरा नासाज है, आप लोग दुआ करें अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए, काफी तबीयत की नासाजगी के बावजूद भी तशरीफ लाए हैं, अल्लाह ताला उनसे सलाम की अता फरमाए। अगर कुछ खामी होगी तो मैं सबसे माजरत खान हूँ, इंसान है, खताएं हो सकती है, हो सकता है कोई नजरअंदाज हो गया हो, छूट गया हो, लिहाजा मैं सबसे माजरत खान हूँ। सलाम भाई अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह ताला वरकातुहू। हाजरीन मोहतरम, ये बड़ी खुशी की बात है कि जामिया टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह जो सालहा साल से मस्जिद आला में जो टीपू सुल्तान की बिनवाई हुई मस्जिद उसके अंदर चल रहा है, इदारा हर दिन तरक्की करता चला जा रहा है। पहले मामला ये था कि दो साल तीन साल चार साल के बाद ये मुर्तद दस्तारबंदी होती थी, मगर टीपू सुल्तान शहीद के मदार पर जब से ये प्रोग्राम हमने शुरू किया है कोई साल नागा नहीं हो रहा है कि हर साल कुछ न कुछ बच्चे आलिम दीन या हाफिज कुरान या कारी कुरान बन करके यहाँ से सनद ले करके रवाना होते हैं। ये मेरा अपना नजरिया कि शहीद के मदार मुकद्दस के करीब आए हैं, शहीद का फैजान बहुत ज्यादा जामिया टीपू सुल्तान शहीद पर, इसलिए हर साल बच्चे फारिग हो रहे हैं। इसमें हमारे सेक्रेटरी आली जनाब सैयद यूनुस साहब की बेपनाह मेहनतें का विषय है, तबीयतें खराब रहती हुई भी इदारे का भरपूर ख्याल करते हैं, अलहाज मंसूर शेर साहब जो यहाँ के सदर है ये भी बेपनाह इस इदारे की तरक्की के लिए कोशिश करते हैं, जुमला अराकीन मिंबरान बिलखसूस श्रीरंगा पटन के नौजवान इस वक्त काफी तवज्जो दे रहे हैं और हमारी आवाम भी इस पर निगाह रखे हुए, इसलिए इदारा तरक्की करता चला जा रहा है। मैं तमाम कौम के लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को दुनियावी तालीम जहां दिला रहे वहीं पर दीन की तालीम जरूर दिलाएं, इसलिए कि दीन की तालीम इंसान को दुनिया में महजब बना देती है और आखिरत का सरमाया उसके पास इकट्ठा हो जाता है, वो इंसान कामयाब व कामरा हो जाता है। इसके लिए जामिया टीपू सुल्तान शहीद हमेशा तैयार है, आप लोग बच्चों को रवाना फरमाएं, माहिर आसातजा यहां पर है, बेहतरीन आसातजा बेहतरीन इंशाल्लाह तालीम दी जाती है। इसके अलावा मैं इन पर टीपू सुल्तान का फायदा ने करम भी है, इंशाल्लाह इदारा तरक्की करता चला जाएगा। मैं आप तमाम ही हजरात से गुजारिश करता हूं इदारे की तरक्की के लिए दुआ फरमाएं। आज जो बच्चे फारिग हुए हैं इसमें दो बच्चे शोबे आलमियत में फारिग हुए हैं, वो जो आलिम के शोबे फारिग दोनों बच्चे हासन दिला के कर्नाटकी के रहने वाले हैं, एक बच्चा जो हाफिज कुरान बना है वो आपके मैसूर शहर का रहने वाला शांति नगर का हाफिज कुरान। रौनक स्टेज आली जनाब अलहाज तनवीर शेर साहब चेयरमैन टीपू ऑफ स्टेट कमेटी और इसके अलावा आसिफ शेर साहब वाइस चेयरमैन, इसके अलावा गुम्बद शाही कमेटी के बहुत सारे अफराद थे, सबके नाम नहीं ले सकता, जामिया टीपू सुल्तान शहीद के सदर सेक्रेटरी और दूसरे अराकीन नायब सेक्रेटरी, उलमाए कराम में मौलाना अब्दुल सलाम साहब, कारी इनायतुर रहमान साहब, मौलाना मोहम्मद फारूक सुभानी साहब, मौलाना नवार अहमद निजामी साहब, बहुत से उलमा थे माशाल्लाह, सबके नाम नहीं ले सकता, एक जम्मे गफीर था अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस स्टेज पर जिसका बेपनाह हसीन मंजर हमें नजर आया। खुसूसियत के साथ
सरकादी हजरत मौलाना मोहम्मद उस्मान शरीफ साहब जो मैसूर के सरकादी है, वो भी माशाल्लाह जलवा फरोश थे। इस तरह बहुत सारे उलमाए इकराम जलवा फरोश थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया टीपू के तीन बच्चे इस बार, दो बच्चे आलिम और एक बच्चे हाफिज फारिग हुए हैं। ये हमारे जामिया टीपू के मोहतरम जनाब मुफ्ती सज्जाद हुसैन साहब और दूसरे इनायतुर रहमान साहब और दूसरे हमारे इस्लाम हजरत, इन सबकी मेहनत की वजह से बच्चे होंगे इतनी अच्छी तालीम होकर है। इंशाल्लाह अगले साल 6 बच्चे होंगे। और दूसरा जो है इसके साथ साथ हजरत टीपू सुल्तान के नाम से मैसूर में टीपू पब्लिक स्कूल भी ओपन करके हैं, वो भी तकरीबन 15 साल से चल रहे हैं, 8वीं क्लास तक चल रहे हैं वो मस्जिद अम्मार के पास। इंशाल्लाह आपके बच्चों को भी कुछ जमाना रहा तो गरीब तबका है बोल के वो उस जगह स्कूल चला रहे हैं और बहुत फीस अफोर्डेबल है, कम करके ये करके हैं। उसमें यूनिफॉर्म बुक्स सब हर चीज़ उसके अंदर पैकेज है, वो बच्चों को जमाइए और हमारे इदारों को हिफाजत की वजह से दुआ करें। इंशाल्लाह आप सबका साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैसूर की आवाम का और कर्नाटक की आवाम का, पटन की आवाम का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इतने साल से जामिया टीपू मदरसे को साथ दे रहे, हमारी अपील है कि आइंदा भी आप अच्छा दिल से साथ देना। तो हमने अभी जो मैसूर में जो खोला है तो कन्नड़ा इंग्लिश और दुनिया थे, तो वहाँ भी जो हमने जो रखा है फीस ये सब भी, ये कौम की खिदमत करने के लिए रखा है, कोई ज़्यादा नहीं रखा है। तो आप भरपूर वहाँ का भी ताउन लो, यहाँ का भी जो है मदरसे में बच्चे भेजो, मदरसे में बहुत अच्छी तरह से देखभाल भी करते हैं सब भी, और हम और हमारे सेक्रेटरी साहब पटन वाले लोग कमेटी वाले सब भी आना जाना करते हैं। तो मेरी वही अपील है पटन के आवाम से, मैसूर के आवाम से, कि आप कुर्बानी में हिस्सा भी लो और कुर्बानी का जो खाल है वो भी जामिया टीपू के बच्चे के लिए दो। सबसे ज़्यादा हकदार जो बच्चे हैं, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं बच्चे खाते हैं, वो उसके सबसे ज़्यादा हकदार है। तो मेहरबानी करके हमारी दिल्ली वो है ख्वाहिश ये है कि आप हमारी जामिया टीपू मदरसे को, स्कूल को बहुत बहुत साथ दो। आप लोग सब जो आए इतने दूर से इतना टाइम बैठे, आप लोग का बहुत أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور صدوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك سلام जो तलबा आज फारिग हुए हैं, सबको दीन की सुनियत की मजहब की मिल्लत की मुल्क की खिदमत करने की तौफीक रखी तथा फरमा। जो तलबा दे तालीम वाले मौला उन सबको जल्द से जल्द आलिम कुरान हाफिज़े फारिग फरमा दे। टीपू सुल्तान के फैलाने कर उस सारे हाजरी को प्रमाणित मौला जारी फारिग फरमा दे। टीपू सुल्तान के दर्जा की बुलंदियां का फरमा। कमेटी के सदरों सेक्रेटरी जुदा अरकान जिम्मेदारों को सेहत सलामती अता फरमा। इनकी मेहनतों को शर्त कबूलियत से नवाज दे। दुनिया की कसीदा अता फरमा, आखिरत में सीधा अता फरमा। जितने मोमिनीन हैं, मददगार हैं, हाजरी हैं, उलमाए कराम हैं, सबको सेहत सलामती अता फरमा, बरकत से मालामाल फरमा। जो जाले की कुकताओं के मुकाओं को कबूल फरमा ले। वबर पकबर बिन नारीन ने कहा तो सभी नारीन हो तो वाली भाई ने कहा तो बाबू रबी वबर पकबर बिन फातिमा। अल्हम्दुलिल्लाह।
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد عليه وسلم صلاه وسلام دائما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رب كريم جامعه سلطان شهيد کی حفاظت فرما مسجد عالا کی حفاظت فرما ہماری جتنی مسجدیں ہیں مدرسے ہیں سب کی حفاظت میں اللہ کے سامان مہیا عطا فرما ٹیپو سلطان شہید کی سچی پکی محبت عطا فرما میدان ٹیپو سلطان شہید سب کو مالا مال فرما الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله حضرات دو منٹ اور بیٹھ جائے بس علماء کرام کی روپوشی کی جا رہی ہے اپنے علماء کی عزت کرنا ہمارے مذہب نے سکھایا ہے ان کا ادب ان کی تعظیم کرنا